अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़िया सुल्ताना। शेख्स किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज सैटरडे है दोस्तों, आज हमारे स्कूल से हमें गवर्नमेंट हॉलिडे दिया है क्रिसमस की वजह से। तो आज मैं आपको एक छोटा सा ब्लॉग शेयर करती हूँ। हमारा नाश्ता भी हो चुका है। आज हमारे नाश्ते में बहुत स्पेशल था, क्योंकि आज सैटरडे था तो मम्मी ने सोचा कुछ स्पेशल बना देते हैं, क्योंकि हम घर में हैं तो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार हम घर में रहते हैं, इसलिए मम्मी हफ्ते में एक बार बहुत ज़्यादा स्पेशल नाश्ता बनाती है। तो आज हमारे नाश्ते में था सेवइयाँ और आलू पूरी, आलू और मटर की पूरी बनाई थी, कचौरी टाइप बनाई थी। तो दिखाती हूँ चलो कैसा था हमारा नाश्ता। तो ये है हमारा सेवइयाँ जो मम्मी ने बनाया है, आप देख सकते हैं। और ये था हमारा आलू मटर का पूरी, हमने खा लिया है लेकिन वीडियो में अभी बना रही हूँ। नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, आपने देखा भी मैंने नाश्ते में क्या क्या खाया था। तो अब हमारे काम स्टार्ट करते हैं। संडे है तो मम्मी की हेल्प करना चाहिए, क्योंकि वो सारा हफ्ता बहुत काम करती है। तो आज संडे है, आज मैं मम्मी का हाफ आधा काम मैं कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ चढ़ाएंगे चावल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है ऐसे वाला कंटेनर, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ ऐसे ऐसे कंटेनर में हमें 3 डब्बा चावल लेना है। चावल तो ले लिया है, अब वॉश करके चढ़ाएंगे। चावल को हमने चढ़ा लिया है, देखिए। तो अब मैं इसे ढक दूंगी। अब मैं स्टार्ट करूंगी अपना काम करना। सारे काम कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, आपने भी देखा होगा मैंने मम्मी का बहुत ज़्यादा हेल्प कर लिया है। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए। ये है मल्टीपर्पज़ बबल फॉर्म क्लीनर, मतलब ये सारा घर का जो कचरा, मतलब आपको मैं बताती हूँ, जैसे सोफ़ा में गंदा, मतलब बहुत दिन से गंदा होगा, तो इसे फॉर्म को यूज़ करने के बाद पोंछ लेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। आपको वीडियो भी दिखाती हूँ, देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने दिखाया है उनके गैस के पास कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो उन्होंने उस फॉर्म को यूज़ किया और क्लीन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितने आसानी से ये वाला क्लीन हो चुका है। अब हम यूज़ करके बताते हैं कैसा होता है। तो आपने वीडियो भी देख लिया होगा दोस्तों कि उन्होंने कैसा यूज़ किया और कितने जल्दी वो क्लीन हो गया। तो मैंने इसे ऑर्डर किया है 1000 रुपीज़ में, 999 रुपीज़ में मैंने इसे लिया है। तो अब मैं इसे यूज़ करके बताती हूँ इसका रिज़ल्ट क्या आता है, आप भी देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे यूज़ कर लिया है अपने
वाश बेसिन में, हमारा वाश बेसिन बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। अब आपको मैं इसका रिजल्ट दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद, मतलब उसमें लिखा है कि कुछ सेकंड के बाद आप इसे वॉश कर लीजिए। सेकेंड्स हो गए थे, मम्मी ने थोड़ा सा पानी देखकर मतलब पोंछ कर देखा तो वो काम नहीं किया, तो मम्मी ने क्या किया, जो वॉश बेसिन का ब्रश, क्लीन करने का ब्रश है उससे घस रही है। कुछ काम होगा तो फिर आपको रिजल्ट दिखाऊंगी मैं। इतना मेहनत से घसने के बाद भी कुछ काम नहीं हुआ इसलिए मम्मी ने इसे धो लिया। खाली पकड़ मेरे पैसे तो वेस्ट हो गए और क्लीन भी नहीं हुआ मेरा वॉश बेसिन। तो दोस्तों आपने देखा मैंने इसे नियमों के अनुसार यूज़ किया, फिर भी कुछ फ़ायदे का नहीं था ये। उन्होंने हमें उल्लू बनाया और हम बन भी गए। तो आप प्लीज़ मत विश्वास कीजिए ऐसे वीडियोज़ पर। तो दोस्तों अब मैं जाने वाली हूँ दीदी के घर, शाम में दीदी ने बुलाया है तो वहाँ जाकर आएंगे। तो हाँ यहाँ पे हम खा रहे हैं चिकन 65 और चिकन ग्रीन कारी कबाब, तो लेट्स खा लेते हैं फिर मिलेंगे। दीदी के घर से आ चुके हैं दोस्तों, मैं व्लॉग यही एंड करना चाहती हूँ। कैसा लगा मेरा ये व्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मैं आपके साथ और एक व्लॉग शेयर करना चाहती हूँ, गोकाक फॉल्स वाला व्लॉग। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था लेकिन कुछ दिन पहले फिर मैं वहाँ पर घूमने गई थी, तो फिर एक बार मैं शेयर करना चाहती हूँ ये वाला व्लॉग। लास्ट वाले गोकाक फॉल्स के व्लॉग से इस वाले गोकाक फॉल्स का व्लॉग थोड़ा हटके है दोस्तों, प्लीज़ देखना और मुझे कमेंट में बताइए अभी कि किस किस को गोकाक फॉल्स का व्लॉग और एक बार देखना है और कितने लोग वेटिंग में है। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।